नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को ईयर टैग लगाने की योजना शुरू कर दिया है। इस ईयर टैग पशुपालकों के लिए आधार कार्ड की तरह काम करेगा, जिससे उसके मालिक की पहचान, नस्ल तथा वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ऑनलाइन की जा सकेगी। बस ईयर टैग का नंबर पर क्लिक के साथ ही आपको पशुओं की पूरी डाटा ऑनलाइन देखने को मिल सकती है। पशुपालन विभाग द्वारा जिले भर में जोर शोर से इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पशु अस्पताल के भ्रमणशील चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार ने बताया कि ईयर टैग से पशुओं तथा उनके मालिकों की पहचान सुनिश्चित होगी। ईयर टैग से पशुओं की गणना भी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे सरकार द्वारा उसकी संख्या के हिसाब से टीकाकरण कराया जा सकता है। डॉक्टर राजीव ने यह भी बताया कि अभी तक पालतू पशुओं की गिनती नहीं होने से सरकार कोई भी टीकाकरण अभियान नहीं चला पाई है। यह पता नहीं चलता कि इस संबंधित क्षेत्र में कितने मात्रा में टीका या फिर अन्य दवाइयां भेजी जानी है। उन्होंने यह भी बताया कि ईयर टैग के दौरान विभाग द्वारा पशुओं के नस्ल, वर्तमान स्थिति, दूध की क्षमता, उम्र तथा सब कुछ नोट कर उसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा। वहीं ईयर टैग पर यह विशेष नंबर रहेगा, उस नंबर से उक्त पशु के बारे में ऑनलाइन जानकारी मिलते रहेगी। पशु चिकित्सा ने बताया कि भविष्य में पशुओं की सरकारी बीमा, ऑनलाइन रसीद बिक्री सहित अन्य लाभ भी इस ईयर टैग के माध्यम से मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग की टीम खुद पशुपालकों के दरवाजे पर पहुंचकर ईयर टैगिंग का काम करेगी तथा पशुओं को इससे होने वाले फायदे भी बताएंगी। आइए अब जान लेते हैं पशुओं के टैगिंग करने से क्या क्या लाभ होगा। ईयर टैगिंग के बाद पशुपालकों को सरकार और पशुपालन विभाग द्वारा कई तरह के लाभ दिए जाएंगे। उन्हें ईयर टैगिंग के साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य कार्ड भी दिया जाएगा। ईयर टैगिंग होने के बाद पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान कार्य की चरणबद्ध प्रक्रिया ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। उनका नस्ल सुधारने, कई बीमारियों को मुफ्त टीकाकरण और इलाज आदि का लाभ सीधे पशुपालकों को मिलेगा। इसके अलावा समय समय पर कृमिनाशक दवाओं तथा उसके दुग्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए भी ईयर टैगिंग महत्वपूर्ण साबित होगी। समय समय पर विभागीय डॉक्टर पशुपालकों के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। आइए कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जो पशु ईयर टैगिंग के माध्यम से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। पशुओं के हिसाब किताब रखने के लिए, सभी रिकॉर्ड को कॉपी में नोट करने के लिए नंबरों वाले टैग लगाने की बहुत जरूरत है। बीमा कराने के लिए भी पशुओं के नंबर लेने बहुत ही जरूरी है। पशुओं के टीका भरवाने के रिकॉर्ड रखना सफल पशुपालक की पहचान है, इसलिए यह रिकॉर्ड के लिए नंबर लगाने की बहुत ज़रूरत है। पशुओं के दुग्ध के हिसाब किताब रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। यदि ज़्यादा पशुओं में से किसी पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है तो उसके लिए टैगिंग लगाकर नंबर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ईयर टैगिंग को लेकर बताया जा रहा है कि यह मनुष्य की तरह ईयर टैगिंग पशुओं के आधार कार्ड है, जिससे पशुओं का विवरण पोर्टल पर अपलोड होगा। उन्होंने बताया कि पशुओं का वज्रपात, बिजली व अगलगी जैसे एक्सीडेंटल केस में मौत होने पर पशुपालकों को 30,000 रुपए तक का मुआवजा राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा पोस्टमार्टम करवाने में किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसके साथ ही हाट में वैसे पशुओं की खरीद बिक्री प्रतिबंधित रहेगी जिसके कान में टैग नहीं रहेगा। इससे पशु तस्करी पर भी लगाम लगेगा। वहीं यह भी पशुओं की चोरी होने या फिर खो जाने पर पशुपालकों को सहजता यानी कि आसानी से पता लगाया जा सकता है। पशुपालन अधिकारी ने बताया कि पशुओं को किसी तरह की बीमारी से आक्रांत होने पर टीकाकरण व उपचार कराने में पशुपालकों को सहूलियत होगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।